आज कक्षा 8 के विद्यार्थी सातम के विद्यार्थियों के लिए है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। अब कमेंट नहीं करेंगे, एक सेट पेपर डाल दिया गया है 2023-24 का पूरा सभी कक्षा से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहले चैनल सर्च करिए, जाकर देखिए, हेरिए, सभी पेपर डाल दिए गए हैं। अभी 10 दिन हुआ 15 दिन और अब सेट नंबर 2 पढ़ रहा है, सेट 2 होगा, देख रहे हैं ना। जैसा आप जानते हैं 4-5 सेट हमारे यहाँ डाला जाता है चैनल में। यदि आप नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो शेयर करना मत भूलना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को। और जल्द से जल्द तीसरा सेट, चौथा सेट आपको मिलने वाला है, जल्द से जुड़ जाइए, देख रहे हैं ना। और यह विद्या भारती का क्वेश्चन पेपर है, विद्या भारती अर्थात सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का, बहुत उच्च विद्यालय का, देख रहे हैं। सामाजिक विज्ञान अब निर्देश में देख रहे हैं, इसको आप पढ़ लेंगे निर्देश। पहला है, मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है जो बनाता है कार्टून, कैरिकेचर, मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प दिए हैं, जो सही हो अपना टिक करना स्वयं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हल करके भेजा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा क्वेश्चन है, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जो 1494 में फरगना की राजगद्दी पर 12 वर्ष की उम्र में बैठा। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, देख रहे हैं ना। आगे वीडियो पलटते हैं, एक पेपर क्वेश्चन पेपर पलटते हैं, इसमें आगे क्या उत्तर है भाई। चार विकल्प में दो हो गया, दो कौन है, दो है, दो दिखाई दे रहा है आपको, वन और घास का मैदान, देख रहे हैं ना। अगला है क्वेश्चन लेते हैं, पछुआ, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है कौन सा? परपटी, दूसरा है क्रोड, तीसरा है मेंटल, इनमें से कोई नहीं, देख रहे हैं ना। फिर छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटियां, हिमनद में, पठार में, देख रहे हैं ना। आगे है, वायुमंडल की परतों में हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब, कौन सा विकल्प सही है, देख लीजिए, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करना है, समझ रहे हैं। जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, शेयर करिए, भूलना नहीं है। जल्द से जल्द तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट जबकि मिलेगा आपको, और लगभग 5-6 अक्टूबर तक सभी की यहाँ परीक्षा शुरू हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ओपीडी में पी शब्द से क्या अभिप्राय है? पी का मतलब पुलिस कह रहा है, पर्सन कह रहा है, पेन कह रहा है, पेशेंट, तो पेशेंट से मतलब होता है। आप जब ओपीडी डॉक्टर दिखाने जाते हैं सरकारी में तो लिखे रहते हैं किस ओपीडी में, मतलब है आउट पेशेंट डोर, तो पी का मतलब है पेशेंट से। यम यल ए में यल शब्द से क्या अभिप्राय है? लाइट, यम यल ए, एक लेट, लेड और लेजिस्लेटिव, ये है लेजिस्लेटिव सही है, जो विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ से लिया गया है, MLA, लेजिस्लेटिव असेंबली, देख रहे हैं ना, ये है एम लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ असेंबली, तो ये लेजिस्लेटिव से संबंधित है। सामोवा द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है? इसका वर्णन करना है आपको। आप निर्वाचन क्षेत्र से क्या समझते हैं? निर्वाचन क्षेत्र जहाँ जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके क्षेत्र से कोई लड़ने आता है उसको आप वोट देते हैं, उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला आगे पढ़ते हैं, फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर, और नैतिक आचार से क्या अभिप्राय है? अगला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। मौसम किसे कहते हैं? छत्रक शैले कहाँ पाई जाती हैं? शैले शैल क्या है? आगे अभिलेखागार क्या है? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी टॉप करना है, जुड़ जाइए, रट डालिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अभिलेखागार क्या है? किस शासक ने सबसे पहली अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी? अकबर नामक किसने लिखा था? सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? 22वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? 23 जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे?
मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, कारण बताइए। और बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। देख रहे हैं 27 क्वेश्चन हो गया, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, पूरा फिर से देख लीजिए, पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आगे अभी देखते हैं, पलटते हैं पन्ना, आगे है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन पेपर पलटते हैं अभी है, और से क्वेश्चन, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती जाती है। अगला है, क्या यह कथन वह महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती हैं सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। आप अपने घर की महिलाओं को देखते हैं ना, कितना काम करती हैं, उन्हीं के बारे में लिखना, काम करती हैं कोई सत्य है असत्य है, क्योंकि उसके बारे में लिखना है, आपकी महिलाएं काम करती हैं। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अपने विचार लिखना है। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। अगला है, तीन प्रकार की शैलों के नाम लिखें और कायांतरित शैल को परिभाषित करें और शैल चक्र बनाएं, देख रहे हैं ना, शैल चक्र बनाएगी। अगला है, छोड़ना नहीं है, 34 क्वेश्चन, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, देख रहे हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या थी, देख रहे हैं ना, जो किताब पढ़े होंगे वही कर पाएंगे। दिए गए स्थानों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए, क्या पानीपत कहाँ है, दूसरा अजमेर, तीसरा बंगाल और दिल्ली और पटना, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। कुल 36 क्वेश्चन है पेपर, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।